पंखे के नीचे बैठो, पंखे के नीचे ताकि तुम्हें हवा लगे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे उनका सामान उठाने, तुम वहां से मिल लियो। कैसा रहा सफर? और ये चिकन बॉईल हो रही है और ये चाय बन रही है। पापा मुझे पता है अभी आपने छोटी गाड़ी निकालनी है और अभी जाना है काम करते करते शाम को आना है। हम लोग राशन भी खत्म हो गया था, हल्का हल्का ले रहे थे रोजा था अंकल के साथ। तो फिलहाल अभी हमारा नाश्ता लग गया। नाश्ते में पापा बाहर से छोले ले आए थे, सिवैया कलेजी और पराठा है और ये हमारे पास नान है। बचलेन आप खाना शुरू करें। पापा आपने रोजा रखे थे? तो गाइस नाश्ता हो गया, अभी चलते हैं। मुझे जाके मोटर ऑन करते हैं। गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा। ये रही मोटर का बटन, ये चल गई। अब चलते हैं वापस से ऊपर। अब मैं ऐसे डॉक्टर लगती हूँ जो अपना रेड वाला चश्मा पहन लेती है। नहीं डॉक्टर भी ऐसे पहनते हैं ना रेड कलर का चश्मा। वापस से अब ये शॉप पर लेकर जा रही है। उसको पता है ना इसके पापा आ गए हैं। के पापा नहीं थे तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब पापा आ गए तो उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। हैप्पी हैप्पी जा रही है, हैप्पी 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 पापा की बाइक। और हम जिधर भी रहेंगे ये पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगी। पहले पापा चलाएंगे, फिर मैं चलाऊंगा, फिर आयत भी चलाएगी। और जब हमने ये ली थी ना, ये जो था ना इसका लगा हुआ था और हमने अभी तक नहीं उतारा पता। अरे यहाँ पे आ जाओ, छाव में खड़ी हो जाओ, इधर यहाँ पर बैठ जाओ, बस ठीक है। देखो बैठ गई यहाँ पे, जब तक पापा गाड़ी सब पहले मैं भी बैठ चुका हूँ आयत के साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा, हम छाव में बैठ गए हैं। बेचारा टेडी भी क्या सोचता होगा आयत, उस बेचारी की मुँह गंदा हो जाएगा। इतना प्यारा मम्मा ने ये दुबई से लिया था और अभी यहाँ पर आके रह रहे हैं। दुबई से किधर आ गया ये बेचारा। ये शॉप छूट तो बार बहुत ज़्यादा है। तो हम अंदर तो पहुँच गए हैं, यहाँ से हम लेंगे जो चीज़ हमें लेनी है। पर सुपर मार्ट मार्ट गए, हाँ ये मार्ट है। तो यहाँ पर आके हम लोग मैगी भी ले लेते हैं और गए इतनी बड़ी रेड बुल के अंदर रेड बुल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और ये रही अम्मी। अम्मी आज मेरे फेस पे थोड़ी चमक आ गई है। आपका दामाद आगे इस वजह सारा दिन अंदर पड़ी रहती थी, बाहर भी नहीं निकलती थी। और मेरे बहुत सारे काम थे, बहुत सारा सामान था जो कि बार बार मैं वीडियो में बोल के ऐसा ना मेरे हस्बैंड को भी लगे कि पीछे से ये तंग कर रही है। तो वो अपनी वाइफ के पास गए थे तो इस वजह से हमने उनको तंग नहीं किया। तो जैसे अभी आए हैं तो पूरा दिन अभी रेस्ट किया, अभी हम बाहर निकलेंगे। और ये देखो फौजी और तैयबा की पेंटिंग शुरू हो गई। इतना प्यारा कर रहे हो, ट्री इतना अच्छा बनाया हुआ है फौजिया। बहुत शौक है तैयबा की और इनकी, तो जोड़ी पक्की हो गई है, वही पेंटिंग कर रहे हैं। तारा के आसमान के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था ना, उसके लिए जा रही हूँ। हाँ आपको कुछ लेना है? चलने अम्मी साथ में? कहाँ जाओगे? ये आगे थोड़ी मार्केट में जाना, बैग लेना और अलार्म लेना है। सुमखा लगेगा कपड़े सिलवाने हैं उधर। ठीक है अम्मी आप साथ चलो, अम्मी भी फ्रेश हुई है, इनको भी साथ ले चलते हैं। इतने सारे हमें मसले थे, इतने सारी प्रॉब्लम्स थी। मोटर खराब हो गई, उसके साथ पानी का इतना हमें मसला था, और हमारी वॉशिंग मशीन जल गई, उसका इतना मसला था। मतलब जब से ये बारिश हुई है ना, तो तब से ये सारी प्रॉब्लम थी, जो कि हमने वीडियो में कुछ भी नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ताकि ऐसा किसी को भी ना लगे कि जैसे मेरे हस्बैंड गए तो पीछे मैं सारी ये प्रॉब्लम लेके बैठ गई हूँ। तो इस वजह से बस अभी आ गए तो अभी सब कुछ बनवा रहे हैं, और बाकी थोड़ा सामान जो बाहर से लेना है वो भी लेने के लिए चल रहे हैं। ठीक है अम्मी, ठीक है अम्मी आप ये पहन लो, फिर साथ चलते हैं।
फिलिंग करके यहाँ पे लगा दिए। मौसम तो खैर डेली बहुत प्यारा हो जाता है, आज कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। चलो बस ये कपड़े यहाँ से उठाने थे, कपड़े उठाते हैं और अम्मी को छोड़ेंगे बाबर डीडी भाई के घर पे, वहाँ पे अम्मी टेलर को कपड़े देंगी। वहाँ पे खाला असल में आ जाती है ना, तो खाला खुद ही दे आती है टेलर को कपड़े। दिल खुश हो जाता है जब भी ऐसे रूम से बाहर निकलो ना, इतना प्यारा व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम कुछ ही टाइम के, कुछ ही दिन के यहाँ पर मेहमान है, फिर हमें अपने घर जाना है। यहाँ पर हमारी भी बहुत सारी यादें, लेकिन हाँ वहाँ पे भी जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे भी ऐसा ही व्यू बहुत ही प्यारा सा देखने को मिलेगा। तो देखो सरप्राइज है, देखो हवा कितना मजे की चल रही है। चलो पीछे चलते हैं, कुरान पाक पढ़ लेना, सही है? आज कारी साहब आएंगे ना, कुरान पाक पढ़ लेना, फिर कल से चलेंगे, ठीक है? सुनवा देती हूँ, आओ बस साथ चल रही। उसका मूड बन गया कि मैं साथ में क्यों नहीं जा रही। तो कारी साहब घर पे आने वाले, इस वजह से मैंने इसको रोका हुआ था कि कुरान पाक पढ़ना, और अब उसने बिल्कुल रोने वाला मूड बनाया हुआ था कि आज इसके पापा आए तो मुझे भी साथ चलना है। चलिए, हैप्पी हो, आजा। अस्सलाम वालेकुम। और सुना कैसा टाइम गुजरा? अच्छा रहा टाइम। देखो कि हमने जो है ना आपको तंग नहीं किया, घर में कितने सारे नुकसान हुए हुए थे बारिश की वजह से, कितनी लाइटें खराब हुई, सब कुछ हुआ। मैंने आपको एक दफा फोन किया, सच सच बताना, फोन किया, एक दफा भी मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। हालांकि जैसे नॉर्मल भी फोन पे बात होती है ना, मैंने वो भी नहीं की। दो दो तीन तीन दिन बाद जब मुझे कोई पूछना होता था तब मैं इनको फोन करती थी। और बाकी सब ठीक थे वहाँ पे? हाँ, ठीक। मामू सब ठीक थे? सब ठीक। सबसे मिले? सब ठीक थे। और कौसर ठीक है? वालेकुम सलाम, सबको सलाम हो गया जिस जिसने मेरे लिए सलाम भेजा। हाँ, जैसे नहलाया ना तो फौरन उसको नींद आई, वरना पूरा इरादा था, मैंने उसको तैयार भी कराया हुआ था कि साथ में चलेंगे। चलो कोई नहीं, फिर कल चलेंगे। चले अम्मी, ले लिए कपड़े? ये एक सूट मेरा ये है। हाँ, ये वाला। हाँ अम्मी, ये मैंने आपको वहीं से लेके दिया था ना, कलर इसका प्यारा है। चले जाएंगे फिर, ये एक दो सिलवा लूँ। हाँ चलो ठीक है, को फिर फोन करेंगी, खाल आ जाएगी। हाँ, दो सूट है। ज्यादा ही थी पापा की? ज्यादा। अभी पता चल नहीं रहा कितनी खुश हुई है पापा को देख के। ऐसे हमने भी घर के बाहर ना ऐसे लगाने, ये सफेद फूलों वाले नहीं है, सफेद फूलों वाला ना, इसका कलर भी बहुत प्यारा। हम ये सारे ट्री अभी देखते हैं जहाँ पे भी जाते हैं ना, आज तो क्या काफी टाइम। कौन सा अम्मी? ये व्हाइट फूलों वाला, ये वाला। तो अम्मी की फरमाइश है कि घर के बाहर ये तो जरूर लगाना है, पक्का पक्का। अम्मी दोनों मिक्स लगाएंगे, ये घर के बाहर बहुत प्यारे लगेंगे। चलो यहाँ पे छोड़ना है अम्मी को और तैयबा को, ठीक है? अम्मा का ख्याल रखना, ध्यान रखना। इधर से तैयबा को चीज लेके दो, मैं इसके नीचे नहीं आ रही। वैसे खुश होके जा रही है अपने पापा के साथ। ठीक है अम्मी, जैसे फिर काम खत्म होगा ना, फिर आपको लेने इधर से आएंगे, ठीक है? अपना काम करके फिर इधर आना, मुझे लेके जाओ। हाँ सही है। बच्चों को ये होता है कि जैसे पापा आए ना इनके, तो बस फौरन से भागते हैं कि चीज लेना है, चीज लेना। आए तो सुबह सुबह भाग पड़ी थी और तैयबा सो रही थी, खैर अभी तैयबा भी गई हुई है। तो तैयबा चलो इधर अली वालों के साथ थोड़ी देर खेल लेगी, हम अपना काम कर लेंगे, अम्मी भी अपना काम निपटा लेंगी, और बस ये जो थोड़े बहुत काम है ये करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड की जो फेवरेट दुकान से चीज मिलती है ना, बच्चों के साथ कुछ लेते हैं, तो ये इनको मसाले वाले जो पापड़ होते हैं ना बहुत पसंद है, मसाले में आते हैं ना। ये मोहल्ले की रौनक है यहाँ की। अच्छा है ना? ये मजे के तुम देखो इतना प्यारा, और यहाँ से तो बादल अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ के आपको मौसम कैसा लगा? यहाँ का मौसम यहाँ का बहुत अच्छा लगा है ना। वहाँ गर्मी थी? वहाँ पे गर्मी थी, अब से अच्छा, काफी अच्छा हो गया यहाँ कराची का मौसम। पहले हर टाइम एसी के बगैर हम रह नहीं सकते थे, अब अगर हम एसी को रेस्ट देते हैं ना तो फील नहीं होती गर्मी। और मेन था हमारा ये काम जिस काम के लिए मैं निकली थी, और मेरे हस्बैंड से, हस्बैंड का कब से वेट कर रही थी, शूट भी रोका हुआ था। मुझे चाहिए थे ऐसे कढ़ाई वाले बैग जो कि मैंने अपनी लाइफ में तो पहले कभी उठाया नहीं है। अब मुझे शूट के लिहाज से ये वाले कलरफुल अट्रैक्टिव लगते हैं, प्यारे लगते हैं, वीडियो में बहुत अच्छा दिखता है इनका पहने हुए लुक। तो मैं जो एक सितारा का आसमान क्रिएट कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे चाहिए था ये वाला, अच्छा लग रहा था। लेकिन
मतलब जैसे लड़कियां पहनती है, ये अच्छा लग रहा था लेकिन ये बहुत छोटा था। फिर सब्सक्राइबर मुझे मिल गई, मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर को वीडियो में नहीं लेती क्योंकि किसी का पर्दा होता है, प्राइवेसी होती है, लेकिन जैसे हम ब्लॉग बना रहे थे बीच में आ गए तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हमें भी ले लो, तो बस फिर हमने वीडियो इनके साथ बनाई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। फिर मैं बैग पहन पहन के सब ट्राई कर रही थी कि वीडियो में देखूँ वीडियो के हिसाब से कौन सा वीडियो में अच्छा लग रहा है, और अगर कोई अच्छा लग रहा था तो वो बहुत हल्के थे, कपड़ा उनका ज़्यादा अच्छा नहीं था, जैसे ज़्यादा चलेंगे नहीं। और फिर मुझे जो मैं एक ड्रामा बना रही हूँ उसमें तो मुझे हर टाइम ये पहने रखना है, अच्छा लगता है उसमें। ये अच्छा लग रहा था लेकिन ये बहुत बड़ा था, साइज़ में बड़ा था, लग बहुत प्यारा रहा था, फिर हमने इसको स्किप किया, ये छोटा देखा, ये मुझे उससे बेटर लग रहा था, डिज़ाइन भी अच्छा था और ये है कि उससे थोड़ा छोटा है। उसके बाद ये भी शूट के लिहाज से यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा था जो कि जैसे शो पीस हो गए, और जैसे लैंप यहाँ के बहुत प्यारे थे और मुझे वार्म लाइट चाहिए होती है तो वो देख रही थी, बहुत अच्छा था सब कुछ मेरे हिसाब का, उस वीडियो के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बस मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये शॉप इतना जल्दी बंद हो जाएगी, के पास ही एक और ज्वेलरी वाली शॉप थी जैसे पुराने टाइम के एंटिक पीस होते हैं वो वाली ज्वेलरी, तो मुझे जैसे वो दिखी ना फिर मैंने इस शॉप को छोड़ दिया कि बाद में आती हूँ लेने के लिए। और ये वाली ये वो ज्वेलरी है जैसे आपने अक्सर मूवीज़ ड्रामों में इनमें देखा होगा, वही पहनती है, नॉर्मल रूटीन में तो कम लोग ही पहनते हैं, तो बस मुझे उस हिसाब से जो ढूंढना था वो मिल गया और बाकी सब घर चल के दिखाऊंगी, शोर काफ़ी था तो वॉइस ओवर कर लिया। वहाँ से हम जैसे पहुँचे हैं ना, अभी मैं छुरी लेने के लिए आई थी, वहाँ से हम जैसे पहुँचे हैं तो घर पे नजमान की आई हुई थी, हमारा वेट कर रही थी, तो बस ये छुरी लेने के लिए आई थी। केक जब भी आती है केक ना लेकर ऐसा हो नहीं सकता, तो चलो चलते हैं केक काटने। इतना प्यारा सा घर, मुबारक, हमारी हर खुशी में नजमान की शरीक होती है। आज देखो जैसे घर का सुना है तो मीठा हमारे लिए लेकर आई हो। बस आप मुझे हमेशा दुआ देती थी घर के लिए, तो देती रहूंगी इंशाल्लाह। हाँ, आप सब बड़ों की दुआएं ना मेरे साथ। हमारे घर का पहला केक होगा, नहीं लेकर आई अम्मा को खिलाओ, अम्मा को भी जब तक अम्मी नहीं थी तो कमी पूरी की है, मेरा में एक टाइम ऐसा था कि मैंने चैनल ही छोड़ दिया था, मुझे हिम्मत देने के लिए मेरे घर आई थी कि उठो वीडियो बनाओ छोड़ो बात। आज बनाए हमारे घर पे भे की सब्जी जो के कितना किलो थे अम्मी, किलो 3 किलो लिए थे, 2 किलो मट्टी थी और उसमें से 1 किलो बचा जिसका आज बेह का सालन बना हुआ है, और अम्मी ने तो खाना खा लिया है और बाकी जो है ना हम लवन अजमाटी को भी साथ में हमने खिलाया था, उन्होंने चम्मच के साथ बस थोड़ा सा बेह लिया, उनको बहुत टेस्टी लगा तो साथ में हमने पैक करके भेज दिया, और अब जो है ना हमें भी बहुत भूख लग रही है। अम्मी आज मैं इतना अच्छा सामान लेकर आई हूँ ना, अभी आपको दिखाते हैं सितारा के आसमान के लिए खाना खा बनाना बाद में दिखाना। अच्छा अम्मी, अम्मी कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, मजे का बना ना। हाँ, मजे का बना है तो मैंने खा लिया। हाँ। मेरी खुशी, मेरी खुशी, मेरी से दादी आ रही है। हाँ। हाँ। तो ये हम लाए हैं अपने शूट के लिए, अम्मी उठा कर देखो। तो ये तो आया तो लेके भाग जाओ। अम्मी मैं शूट वाला कमरा बंद रखूंगी क्योंकि उसमें सारी चीजें रख रहे हैं, वैसे हमारी शिफ्टिंग भी चल रही है और साथ साथ जो है ना मैं अपने शूट को स्टॉप नहीं करना चाहती सितारा के आसमान को, उसमें सारी चीजें चलो ये बाहर नए घर में भी काम आ जाएंगी। और ये देखो नाना अब्बा वाला लालटीन, अब्बे की याद में हमने ये लालटीन लिया है, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था और पहले के टाइम का भी, और ये शूट में बहुत प्यारा लगेगा। हो गया ये देखो। हाँ। ये अच्छा है उससे। हाँ। उसमें हम इधर से ये खोल के तेल डालते थे। अच्छा। तेल डाल के फिर वो माचिस से जलाते थे तो इधर इधर तेल लग जाता था, वो गंदे हो जाते थे, ये तो ऐसे जल जाते जो पहले टाइम के थे ना। हाँ, ये अच्छा है। इसमें क्या है? हाँ, मिस एल है। कहाँ गया था बेबी? कहाँ गया था बेबी? कई बार मुझे भी ये बहुत पसंद आया है, ये देखो अच्छा है ना ये पीस। मोर के पंख, एक मिनट अम्मी अम्मी को पकड़ा मोर के पंख, ये देखो इतना प्यारा ये लगेगा जब हम इसको, ये देखो बगैर लाइट के
है ना, प्यारा लग रहा है ना। अभी लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, रस लगेगा। एक तो एक ये हो गया, तो ये वाला बैग चाहिए था, ये देखो। हाँ। ये अच्छा नहीं है अम्मी, ये अच्छा उससे है ना। और हाँ, इसके लिए भी स्पेशली मैं गई थी अम्मी, ये अलार्म क्लॉक, ये मुझे चाहिए थी कि साथ में टेबल पे रखूंगी ना तो जैसे अलार्म बजता है। कड़े लिए, दूध जो मैंने आपको पहनाया था, नारायण का वो अच्छा लग रहा, वो तो बहुत प्यारा लग रहा। ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो बड़े वाला वो लेके आई है, कटमाला। और ये तो सितारा के आसमान पे मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और जैसे मैंने सोचा था ना, मुझे उस हिसाब से बिल्कुल वैसी ज्वेलरी मिली है। सारे ये एंटिक पीस है, तो मैंने सोचा नहीं था कि एक ही दफा जाने से मुझे इतना सब कुछ मिल जाएगा। तो बस उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है कि मैं सितारा के आसमान पर ये वाला लुक क्रिएट करने वाली हूँ। बहुत ज्यादा एक मैं इसको एंजॉय करके ये वाला शूट करूंगी और ये सब कुछ पहन के एक वीडियो बनाएंगे, तो आप सबने जरूर देखना है। फिलहाल आज मुझे ये सारी चीजें मिली है। अच्छा अम्मी, अच्छा अम्मी हमारे साथ देखो बैठ के नहीं खाती, वहाँ पे देखो पापा से बस चीज दिलाते है ना, जो चीज दिलाए ना वही अच्छा लगता है। अच्छे नहीं है, मारू इनको, मैं मारू, मार रही हूँ, मैं ये मार रही हूँ। कह रही नहीं मारो मेरे पापा को। या सब ने अपनी अपनी चाय पी ली और अब मेरी चाय की बारी है। अपना सामान समेटने गई थी तो देखो सब ने पी ली, एक कप मेरा ही बच गया। तो है ना आपकी इस खिड़की में, पता नहीं हमारा जो नया घर है वहाँ से भी ऐसी हवा आएगी या नहीं। अम्मी का, अम्मी वही रूम आप चुन लेना जिसमें से ठंडी ठंडी हवा।